weather is so crazy. Not so sunny and hot. Fish market is so crowded and showed us. We saw the poha. Bada chikat काट लिया है एंड इसमें मैंने हल्दी और नमक मिक्स करके रख दिया है एंड मैं अभी इसे तेल में फ्राई करूँगी विद काली जीरा क्योंकि मैं टेंगा मच काली जीरा दिए बना पाऊँ. सो इसमें तो मैं एक इसमें डायमेंशन करना भूल ही गई तो मैं एंड माय लव अभी बॉईल हो जा रहा है. Today I made lao with chingri mach and chingri mach poda with besan and here it is tengra mach. So ye three item maine aaj banaya hai. Can see this tengra mach aapko dikhai nahi de raha hai. Jhol bani hai tengra mach. इतना एहसान कर दो तुम 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 इधर आगे ना कहो तो भी मीठा सा. दिस फ्रंट बाइक वाला इज सो काइंड. वी वर नॉट फाइंडिंग द संडे मार्केट देन दे आर शोइंग अस द वे. सी दिस लेडी एंड दिस आगे का बाइक वाला अंकल बहुत ही अच्छा है. वी आर फॉलोइंग हिम. ওইটা সানডে মার্কেট ছিল না যেটাতে তুমি যাচ্ছিলে যে ওইটা এমনি মার্কেট ডেইলি মার্কেট ওটা. সি দ্য ট্রাফিক আহেড. ওরা এরকম হয় মানে কি বলতে যাবে. বুঝি ওইটা তিরপাল দিয়েছিল কয়লা ফ্রাই তো আমি আলুটাকে এখন বয়ল করছি. Adding salt, turmeric, salted and haldi ka powder maine isme mix kar liya hai. फ्लेम को लो ही रखूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए फिर इसके बाद स्टीम बनाऊँगे. बाद में जब ये बॉईल हो जाए तो ये फ्राई क्रिस्पी होने के लिए मैं इसको और दिस पनीर पैकेट कतराज पनीर. इसको काट लूंगी.
चिली पनीर को का पीस किया है एंड नाउ आई विल मिक्स हल्दी एंड सॉल्ट विद दिस. चेंज कर दिया है क्योंकि इसमें रोज लच्चा स्टिक हो जा रहा था. ये सब पनीर देखते ये एकदम गूढ़ा हो गया है पनीर सब, तो आई चेंज द पैन. इसमें फ्राई करने से अच्छा और नॉन स्टिक है और ये एकदम बकवास है, एकदम बकवास है ये. ये देखिए मेरा टिकोला ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, तो मैं इसकी फ्लेम को अभी हाई कर दूँगी ताकि ये फ्राई हो जाए. ताक जो झाज बोलता है बटर मिल्क कुकिंग पनीर. इसमें मैंने ग्रेवी में इसमें लिया जिंजर टमेटो एंड मिर्ची लिया है मैंने. इसका पेस्ट बना लिया है क्योंकि आज मंडे है एंड हम वेज खाते हैं, तो इसीलिए विदाउट ऑनियन ये बनाना पड़ेगा. ये आलू है जो मैं फ्राई करके रखती हूँ. इसको एक आम चटनी, आई विल पील ऑफ दिस मैंगो एंड इसके मैं इसमें ऐड करूंगी सॉरी नमक एंड हल्दी पाउडर एंड थोड़ा इतना लाल मिर्च. तो मैं इसे अच्छे से सौते करूंगी, सौते करूंगी इसको. मैं 10 मिनट्स तक फ्राई करते रहूँगी. आम के अचार बनाने, आम का अचार बनाने के लिए मैं पहले इस आम को बॉईल कर लूँगी.
इसमें मैंने एक ग्लास पानी ऐड कर लिया है। एंड नाउ आई विल गिव हाफ टी स्पून सॉल्ट। हल्दी ताकि इसमें थोड़ा कलर आए, ज़्यादा नहीं, नहीं तो इसमें स्मेल, हल्दी का स्मेल आएगा। तो मैं इसमें बहुत ही कम हल्दी मिक्स किया है। नाउ आई विल कीप इट अंटिल इट टोटली बॉइल। ग्रेवी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। आलू तो मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था सिटी प्रेशर कुकर पे। इस ग्रेवी के लिए मैंने आपको दिखाया था एक टमाटर एंड जिंजर एंड चिल्ली पाउच मिर्ची का मैंने इस्तेमाल किया था। And my big boil is also ready. पनीर में दाल नहीं है इसलिए मैंने पनीर का छोल बनाया है। छोल सो ये बॉइल मैं ये आम को मैंने बॉइल कर दिया है। एंड नाउ आई विल मेक चटनी आउट ऑफ इट। इसमें मैं ये पनीर में बटर डालूंगी चम्मच। विल एड दिस बटर। चटनी बनाने चुनाव इटा यूज करो पान मुड़ी एंड दिस लाल मिर्च। टटका में लाल होते होते फ्राई करो। Now I will add here lal mirch and sugar पे quantity तो ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये कच्चा आम है तो ये बहुत ही टॉनिक टॉप मुझे में बहुत थोड़ी मान चीनी नीते हमें इटा हाथे भी यूज कर सो আমের চাটনি আমার অলমোস্ট হয়ে যাচ্ছে। নাটা আমি এখন আরও 20 মিনিটসের জন্য রেখে দেব তাকে এটা মধ্যে একটা ভালো কালার এসে পড়ি। তখনও বয়েল বয়েল লাগছে। অ্যান্ড আমি রান্ধা ঘরটা পরিষ্কার করে নেব। তুমি এখন আই এম অ্যাডিং দিস হিয়ার টু দিস কুক করলা সো দ্যাট ইট টেস্ট দিস বেটার। 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है।
नाउ आई एम मेकिंग चीरा फ्राई।